तो खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। मौजूदा वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें मौजूदा वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम का दिल्ली दौरा है आज। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम मनोहर लाल आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे। अहम जानकारी मौजूदा वक्त की आपको दे रहे हैं, दिल्ली से प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे, प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करते नजर आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह उद्घाटन होगा। आपको बता दें मौजूदा वक्त की अहम जानकारी, दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, दिल्ली के सीएम मनोहर लाल, माफ कीजिएगा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीएम मनोहर लाल आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली से ही प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करते नजर आएंगे। यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? देखिए पूजा, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। शाम तक जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लगभग 4 बजे के आसपास जो हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि प्रदेश में एक और प्लाज्मा बैंक का जो उद्घाटन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बार जो है दिल्ली दौरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद में जो है ये प्लाज्मा बैंक बनने वाला है। फरीदाबाद के हॉस्पिटल ईएसआई हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पर जो है ये प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में लगातार कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कल भी अगर हम मामलों की बात करें तो लगभग 750 के आसपास जो मामले हैं हरियाणा में कोरोना वायरस के निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में ये जो प्लाज्मा बैंक हरियाणा में बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है मरीजों के लिए राहत भरी खबर जो है कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना के अगर इलाज की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कहीं ना कहीं अचूक जो है उपाय मानी जाती है। ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जब जब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता है तो जो मरीज है वो अब जो है बेहतर तरीके से रिकवर करता हुआ नजर आता है। ऐसे में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। प्लाज्मा बैंक जो उद्घाटन तो होगा ही, उसके साथ साथ कई अन्य जो मुलाकातें हैं वो भी इस दौरे के दौरान होती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल स्पर्श, तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। क्या ये माना जाए कि बड़ौदा उपचुनावों से संबंधित भी जो है चर्चा का दौर देखने को मिल सकता है आलाकमान से? देखिए बिल्कुल पूजा, दिल्ली के जब हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आते हैं तो ये दौरा होता है वो राजनीतिक मायनों से भी जो है काफी अहम होता है। अच्छा, उसमें हमने पिछले दिनों दौरे की बात की जाए तो उसमें जब हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी तो मुलाकातें जो है देखने को मिली थी। ऐसे में अब जो प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा है वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बड़ौदा उपचुनाव से संबंधित है। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जो है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है बड़ौदा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रभारी घोषित कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर ये चाहेगी कि पूरी तरीके से जो कोशिश है वो बड़ौदा सीट को जीतने की रहेगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर भी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर जो है इसकी जानकारी जो है प्राप्त नहीं हुई है कि किन किन जो है मंत्रियों से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हम अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री के टूर की बात करें तो मैं एक बार टूर की जानकारी दर्शकों को दूं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री 4-4:30 बजे के आसपास दिल्ली आएंगे, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करेंगे और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव दिल्ली में ही होने वाला है और कल हरियाणा के मुख्यमंत्री फरीदाबाद की तरफ रवाना होंगे और बल्लभगढ़ में कुछ जो उद्घाटन कार्य है जिसमें स्कूल की बात की जाए तो एक स्कूल का जो है उद्घाटन कार्य करते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ अधिकारियों की मीटिंग भी लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। जी स्पर्श, एक और अहम मसला है जिस पर चर्चा हो सकती है मेरे ख्याल में, SYL का मुद्दा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार मध्यस्थता के लिए बोला है, कहा है कि एक पेज पर आए हरियाणा और पंजाब, इस पर अहम बातचीत करें, तो क्या ये मसला भी हो सकता है चर्चा का विषय? देखिए पूरा चर्चा जो है हरियाणा SYL को लेकर करेगा तो अब केंद्र सरकार पंजाब से भी नुमाइंदा जो है कहीं ना कहीं बुलाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो फैसला है वो
हरियाणा के हक में जो है दिया था, लेकिन पंजाब उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के? तो दोनों ही मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं साथ बैठ के जो है बातचीत करनी होगी, लेकिन जो ज्यादा संभावना है वो इस तरीके से है कि बड़ौदा उपचुनाव और प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वर्ष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इस वर्ष शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरीदाबाद में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करते भी नजर आएंगे। प्लाज्मा थेरेपी जो कि कोरोना महामारी से बचाव में लोगों के लिए अहम रोल अदा कर रही है, भूमिका अदा कर रही है, ऐसे में फरीदाबाद में प्लाज्मा बैंक की स्थापना अपने आप में अहम कदम है। और साथ में बड़ौदा उपचुनाव का जिक्र भी हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चूंकि अगला कदम हरियाणा की सियासत के लहजे से देखा जाए तो बड़ौदा उपचुनाव अहम हो जाता है, तो ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव की रणनीति को लेकर के विशेष चर्चा हो सकती है।